अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नाजिया है और मैं कोशिश करती हूँ एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज वीडियोस डालने की। एंड अगर आप नए हैं या पुराने हैं टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लेट मी नो हाउ यू लाइक माय वीडियोस। अच्छा, तो सॉरी, मैं एक्चुअली इस वीक ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाई। एक्चुअली फुल वीक आई एम नॉट एबल टू। सैटरडे दिस वीडियो इज गोइंग टू गो, टुडे इज फ्राइडे नाइट, रात के 3:15 बज रहे हैं। तो दिस इज माई रूटीन नाउ। मेरा ये रमज़ान, फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। माशाल्लाह रमज़ान है स्टार्टेड ऑलरेडी, एक हफ्ता हो गया है, ओनली 3 हफ्ते और बाकी हैं। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। एज आप लोगों को पता होगा, रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें करने की होती है, टाइम टेबल एकदम चेंज हो जाता है। मेरा भी टाइम टेबल ऐसा है कि मैं पूरी रात जाग रही हूँ, आई एम स्लीपिंग इन द मॉर्निंग अराउंड 8, और फिर मैं रात 4 बजे तक सोती हूँ, एंड देन आई गेट अप एंड अफ्तारी की तैयारी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन आफ्टर दैट सब अफ्तारी होती है, फिर नमाजें होती हैं, देन तिलावतें होती है, फिर वो पूरी रात इसी तरह से जाता है। क्योंकि मेरे घर में सारे बच्चे, मेरे शौहर, एवरीबडी, माई सिस्टर्स, दे सभी जागे होते हैं रात भर, तो हम पूरी रात फिर जागते हैं। तो मुझे बिल्कुल वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। आज बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम निकाला है। मेरे पास अभी 45 मिनट्स है टू रिकॉर्ड फ्यू वीडियोस। तो रमज़ान में मुझसे हो सकता है ये हो जाए कि मैं हफ्ते में एक बार या दो बार वीडियो डालूं। इंशाल्लाह मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी ज़्यादा वीडियो डालने की, मगर मैं अगर नहीं डाल पाई तो प्लीज़ सॉरी, रमज़ान की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रो इट इज, सो आपने देखा है कि मैंने अभी कुछ नहीं लगाया मेरे चेहरे पे। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ बहुत क्विक मेकअप है। एक्चुअली ये मैंने एक्सपेरिमेंट करना था, मैं कुछ दिनों से ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये मुझे बहुत पसंद आया। आई डोंट नो अगर आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं, पर पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया और मैं मुझे लगा यार ये शेयर करना चाहिए। तो मेरी स्किन पे और फॉर मी इट वर्क्स अमेजिंगली, आई लव्ड इट। लाइक मुझे ये बहुत क्विक लगा, लेस देन 5 मिनट्स में मेरा ये मेकअप हो जाता है। एंड जस्ट 2 प्रोडक्ट मुझे लगते हैं, रियली 2 प्रोडक्ट्स आई यूज एंड आई फिनिश माई मेकअप। आई एम टेलिंग यू इट्स अमेजिंग फॉर मी। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। मैं बेस पे कुछ नहीं लगा रही हूँ, मेरे चेहरे पे अभी भी कुछ भी नहीं लगा है, और जस्ट क्लींस माई फेस। तो मैंने मॉइस्चराइजिंग भी नहीं लगाया है क्योंकि मैं अभी बाद में लगाऊंगी वो। तो ये मेरा चेहरा है, ओके। अब मैं इसके ऊपर बेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं ये जो मेकअप करती हूँ ये मैं फ्राइडेज और मैं कहीं बाहर जाना होता है ना, आई वॉन्ट टू लुक लिटिल बिट डिसेंट, मेकअप नो मेकअप लुक मुझे करना होता है। तो मैं बेस कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाऊंगी। आई एम गोइंग टू कीप माई स्किन एज इट इज, देयर इज रेडनेस ओवर हियर, देन आई हैव फ्यू पिंपल मार्क एंड डिसकलरेशन अराउंड माई नोज, लाइक हियर यू कैन सी ब्लैक हेड्स मे बी, बट दैट्स फाइन। मैं बेस नहीं कुछ करूंगी, ओके। ऑल आई एम गोइंग टू यूज इज दीज 2 प्रोडक्ट्स, रेली दिस इज अ लिप बाम, मेबलिन बेबी लिप्स बाम, एंड दिस इज माई आईला काजल, कॉरसल, मेबलिन कॉरसल काजल। आप लोग जानते होंगे मुझे बहुत पसंद काजल है, ये दोनों से ही मैं मेकअप करने वाली हूँ। सो ये कैसे करना है, अभी इसी में मेरे पास मेबलिन न्यूयॉर्क भी है लिमिटेड एडिशन, ये भी बहुत अच्छा, ये ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। अब इसमें 2 कलर है, ये है रेड और ये है पिंक। तो आपको अगर रेड चाहिए तो आप रेड कलर का बेबी लिप यूज कर सकते हो, और अगर आपको पिंक चाहिए तो पिंक यूज कर सकते हो। तो मैं आपको रेड के साथ बता दूं मैं क्या करती हूँ। आई ओपन इट अप, मैं इसको इस तरह से अपने हाथ पे लेती हूँ, ठीक है, और मैं देखिए इस तरह से वो हाथ पे आ जाता है, और फिर मैं मेरी आंखों पर डायरेक्ट लगा लेती हूँ। तो ये एक टिंट की तरह काम करता है, ठीक है, इट्स वेरी सी, आप देख सकते हैं इमीजिएटली देयर इज अ पिगमेंट ऑन माय आई, ओके, फॉरन वो पिगमेंट आई पे आ जाता है, एंड देन आई जस्ट स्प्रेड इट लाइक दैट, ठीक है। अब इसको आपको जितना गाढ़ा चाहिए, आपको ज्यादा ब्राइट चाहिए तो आप और हाथ पे ले लें इस तरह से, एंड देन प्लेस इट अकॉर्डिंग टू, आप जैसे आई शेडो प्लेस करते हैं पाउडर, उस तरह से आप इसको प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसी तरह से इसको प्लेस करूंगी, मैं आईने में देखूंगी, इधर यहाँ मेरा आईना है एक्चुअली, दिस इज इट। तो मैं अब आप लोग सोचेंगे कि ये थोड़ा डार्क लाइट होगा या हाउ इट विल कम, पिगमेंट इसका कैसा आएगा, तो
इट लुक्स वेरी नेचुरल एक्चुअली, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगेन मैं थोड़ा सा हाथ पे लूंगी, देखिए मैंने इसको खोल के रख लिया, आई एम टेकिंग इट ऑन माय हैंड एंड देन मैं अंडर आई भी इस तरह से लगा दूंगी। दैट्स इट, ये देखिए, आप देखिए कितना फर्क हो गया है मेरी आंखों में। ठीक है, मैं इसी तरह से इधर की आंख पे भी करूंगी। बस इतना आपको मेक श्योर करना है कि आप अमाउंट जो है दोनों आंख पे प्रॉपरली लगाएं, मेक श्योर कि पिगमेंट दोनों आंख में बराबर लग रहा है, बस उतना आपको ध्यान रखना है, बाकी इट्स वेरी फॉरगिविंग। ये देखिए, दैट्स इट। और अब मैं थोड़ा सा आंखों के मैंने लगा लिया, ये मेरे आंखों का मेकअप हो गया। अब मुझे इसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं लगाना, अगर आप चाहें तो आप लाइनर लगा सकते हैं, इसी पे आप मस्कारा भी लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर सिर्फ काजल लगाऊंगी आंखों पे, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई काजल। ये देखिए, मैं सिर्फ काजल लूंगी और मैं मेरी दोनों लोअर आईज लाइक इधर देखिए और ऊपर, ठीक है। नीचे देख के लगा रही थी तो थोड़ा सा नीचे लग गया, ठीक है, आप बराबर से लगा लीजिए। ये देखिए, आपने काजल लगा लिया, दिस इज इट। अगर आप चाहें तो इस पे लाइनर लगा सकते हैं और आपका मेकअप कर सकते हैं। अभी मैं इसी लिप बाम को लेकर पूरा मेकअप मैं इससे करने वाली, आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा और हाथ पे लूंगी इस तरह से और मैं इसको ब्लश की तरह यूज करूंगी, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्माइल, ये देखिए इस तरह से मैं डॉट। आप टिंट कैसे लगाते हैं, एनी टिंट या फिर आप एनी लिक्विड ब्लश किस तरह से लगाते हैं, उस तरह से आप इसको लगा दें। ये देखिए, इसका लुक इतना अमेजिंग आता है, आई रियली लव दिस। मैं ये बहुत बार करके जाती हूँ मेकअप बाहर, और फ्राइडेज तो मैं ये घर में भी करके रखती हूँ बिकॉज आई लाइक टू डू इट। मैं ये थोड़ा सा नोज पे भी लगाती हूँ, टिप ऑफ माई नोज, सो इट लुक्स लिटिल नेचुरल ग्लो, ओके। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा लगा के दिखाती हूँ। तो ये आपके ऊपर है आपको कितना पिगमेंट चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ। देखिए थोड़ा सा कलर आ गया, इट लुक्स लाइक आई हैव पुट अ ब्लश ऑन माई आईज, सॉरी ऑन माई लिप, ऑन माई चिक्स। तो मैंने ब्लश ऑन लगा लिया है, ऐसा लग रहा है ये एनी टिंट की तरह काम करता है, तो आप उसको इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है, और नोज पे थोड़ा सा, और यही इसी को मैं मेरे लिप्स पे लगा लूंगी। बस हो गया, दिस इज इट, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स। लुक एट, लाइक इफ आई लुक इन द मिरर ऑल्सो माई मेकअप लुक्स कम्प्लीट, इट लुक्स लाइक हाउ मच टाइम आई हैव पुट इन टू डू दिस मेकअप, बट नो, आपने देखा होगा लेस देन 2 to 3 minutes में ये पूरा मेकअप हो गया, ठीक है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इस पे लाइनर और मस्कारा लगा सकते हैं, और अगर आप और करना चाहें तो आप इसके ऊपर आईब्रोज फिल इन कर सकते हैं, बेस लगा सकते हैं, जितना आपको इन पे इस पे बिल्डअप करना है आप बिल्डअप कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसी तरह रखूंगी। दिस इज व्हाट आई एम मोस्टली डूइंग व्हेन आई एम गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, या मुझे ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे ज्यादा मेकअप नहीं लगाना है, तो मैं यही करके जा रही हूँ। एंड बिलीव मी, इट लुक्स रियली वेरी गुड, वेरी नेचुरल, एंड इस तरह से हो जाता है। अब ना ये रेड कलर का था, इसी में अगर आपको पिंक करना है तो आप पिंक, ये देखिए पिंक भी कर सकते हैं, देखिए पिंक मेरा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा सा इसके ऊपर रब होगा तो देन इट कम्स पिंक ऑन माय स्किन, ओके। तो ये पिंक भी हो जाता है। अगर आप चाहें तो जो भी कलर, मेक श्योर कि लिप टिंट हो वो इस तरह से, और इसमें थोड़ा पिगमेंट हो जिस तरह से मेरा है। सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे इन दोनों में से आता है इसका, क्योंकि इसमें ज्यादा टिंट है, ये देखिए ये रेड टिंट बहुत ज्यादा है, तो ये मुझे बहुत अच्छे से वर्क करता है और मैंने यही यूज किया है। आई कैन नॉट बिलीव मुझे ये इतना पसंद आया है, मेरे लिए इट वर्क्स, आई लव दिस,
इट्स वेरी कम्फर्टेबल, इट्स ईजी. अभी समर में भी आप लगा सकते हैं, विंटर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं. वेरी 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 कम्फर्टेबल फॉर मी और मुझे बहुत पसंद आया. अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. कमेंट बिलो एंड लेट मी नो आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं. और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मुझे स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. मैं स्किन डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जो भी रिकमेंड करती हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से करती हूँ. मुझे जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको बता देती हूँ. मैं प्रोडक्ट भी नहीं सेल करती हूँ, मैं उसे बेचती नहीं हूँ, ना मैं कोई कंपनी के थ्रू अफिलिएट करती हूँ. मैं सिर्फ इसको बताती हूँ मेरे चैनल पे कि भाई ये मैंने यूज़ किया, इसका रिजल्ट मुझे ऐसा आया, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं. तो मैं बेचती नहीं हूँ, मैं सेल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मेरा रिव्यू देती हूँ. ठीक है, तो प्लीज़ टेक केयर, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे.